भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में सोमनाथ सबसे प्रथम है। सोमनाथ मंदिर की लूट पर आपने कई थ्योरी सुनी होंगी और पढ़ी होंगी। क्या आपको पता है कि कितनी दौलत लूटी गई थी मंदिर से? और जब सोमनाथ मंदिर पर गजनवी ने हमला किया तो उसने क्यों कहा कि मैं बुत फरोश नहीं? पेश है मोहम्मद गजनवी की कहानी। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के क्या उद्देश्य थे? बार बार तोड़ा फिर बनाया गया सोमनाथ मंदिर। महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर को नष्ट किया। सन 1008 राजा अनंग पाल के नेतृत्व वाली बड़ी सेना को हराने के बाद गजनवी के सामने अब कोई बड़ा प्रतिरोध नहीं बचा था। उसने थानसेर, नगरकोट जैसे शहरों में भयंकर लूटपाट की। बड़े पैमानों पर मंदिरों को निशाना बनाया गया और सोने चांदी की मूर्तियां लूटी गईं। इन हमलों में लाखों लोगों को गुलाम बनाया गया, जिन्हें मध्य एशिया के गुलाम बाजारों में बेचा और सेना में भर्ती किया गया। गजनवी की लूटों का अंदाजा इतिहास के प्रमाणिक अप्रमाणिक स्रोतों में फैली कहानियों से लगाया जा सकता है। सुल्तान महमूद गजनवी, जिसने एक हमले के बाद हिंदुस्तान के शहरों से लूटी गई दौलत को सार्वजनिक तौर पर पेश करने का हुक्म दिया। कहा जाता है कि पंजाब और कश्मीर से लूटे गए सोने के तख्तों और मंदिरों की हीरे मोती जड़ित मूर्तियों को देखकर गजनी के लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। जाहिर है कि गजनवी का मुख्य मकसद हिंदुस्तान की दौलत को लूटना था, लेकिन उसने बड़ी सफाई से इसे धार्मिक रंग भी दे दिया था। तारीख पंजाब में सैयद मोहम्मद लतीफ लिखते हैं कि लूटपाट के बाद गजनवी ने कश्मीर और पंजाब में बड़ी तादाद में लोगों का धर्म परिवर्तन कराया। इसके अलावा बड़ी लूटों के बाद वह मुसलमानों के खलीफा को बगदाद में तोहफे भेजा करता था और बदले में उनसे उपाधियां हासिल करता था। इस तरह उसकी लूटपाट को एक धार्मिक वैधता भी मिल गई। लूटपाट का यह सिलसिला चलता रहा और सन 1021 में सुल्तान महमूद गजनवी ने लाहौर भी जीत लिया। इस बड़ी जीत के बाद गजनवी ने लाहौर का नाम अपने नाम पर बदलकर महमूदपुर कर दिया और अपने प्रसिद्ध गुलाम अयास को इसका हाकिम बना दिया। लाहौर की विजय ऐतिहासिक थी, लेकिन गजनवी को इतिहास में जगह दिलाने वाला वाकया था उसका सोमनाथ मंदिर पर किया गया हमला। गुजरात के काठियावाड़ में स्थित सोमनाथ मंदिर की हिंदुओं में बड़ी प्रतिष्ठा थी। महमूद गजनवी ने सुन रखा था कि इस मंदिर में बहुत बड़ी मात्रा में सोना है। सन 1024 में गजनवी ने एक बड़ा लश्कर लेकर फिर हिंदुस्तान का रुख किया और इस बार भारत पर महमूद गजनवी के आक्रमण का मकसद था सोमनाथ मंदिर की लूट। रास्ते के कई किलों को उजाड़ते लूटते पाटते 2 साल बाद वह सोमनाथ मंदिर पहुंचा। सोमनाथ मंदिर की लड़ाई को लेकर कई बातें कही जाती हैं। कहा जाता है कि उस समय मंदिर की हिफाजत का जिम्मा एक राजपूत टुकड़े के पास था, जिसने गजनी के लश्कर का 3 दिन बहादुरी से मुकाबला किया, लेकिन आखिरकार गजनवी की सेना भारी पड़ी। मंदिर की हिफाजत करते हुए 5,000 से ज्यादा सैनिकों की जान गई और बाकी ने समुद्र के रास्ते भागकर अपनी जान बचाई। एक मत यह भी है कि उस समय के स्थानीय राजा ने गजनी की सेना का प्रतिरोध नहीं किया। हजारों आम लोगों ने मंदिर को चारों तरफ से घेरकर बचाने की कोशिश की, लेकिन गजनवी ने उनकी सेना को बेरहमी से कत्ल कर दिया। 1026 में महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर कब्जा कर लिया था और उसकी 9 फीट ऊंची मूर्ति को तोड़ डाला था। मंदिर की अन्य मूर्तियां और वहां जमा सोना लूट लिया गया। सोमनाथ हमले में महमूद गजनवी को कितनी संपत्ति मिली, इसका ठीक ठाक हिसाब किताब इतिहासकार भी नहीं लगा पाते हैं। इतिहासकार अल बरूनी के वर्णन से इसका अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है। कहा जाता है कि लूट इतनी बड़ी थी कि लूटे गए माल को ले जाने के लिए सैकड़ों ऊंट लगे थे। कहा जाता है कि सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी के कब्जे के बाद मंदिरों के ब्राह्मणों ने उससे गुजारिश की थी कि वह मंदिर की मूर्ति को न ले जाए और उसके बदले में वे उसे बड़ी मात्रा में सोना देंगे, लेकिन मंदिर की दौलत हासिल कर चुके गजनी ने अब धार्मिक रंग ले लिया और कहा कि मैं तारीख में बुत फरोश नहीं बल्कि एक बुत शिकंद के तौर पर मशहूर होना चाहता हूँ। कई स्रोतों में यहाँ तक मिलता है कि उसने मूर्तियों के टुकड़ों को गजनी की मुख्य मस्जिद और अपने महल के सहन की सीढ़ियों पर लगाने का हुक्म भी दिया था। सोमनाथ हमले में गजनी को इतिहास का एक ऐसा किरदार बताया गया जिसका असर आज तक देखा जा सकता है। लेकिन इस हमले से जुड़ा एक और भी दिलचस्प किस्सा है। ये किस्सा है कि सोमनाथ मंदिर के दरवाजों का। कहा जाता है कि सोमनाथ मंदिर के दरवाजे चंदन की लकड़ी के बने थे और उसमें बड़ी मात्रा में हीरे और जवाहरात जड़े पड़े थे। ये भी कहा गया है कि आम लोगों में काफी मशहूर बात है कि सोमनाथ हमले के बाद गजनवी मंदिरों के दरवाजे उखाड़ ले गया, जो बाद में उसके मकबरे में लगाए गए थे। ब्रिटिश संसद की दस्तावेजों के कुछ अंश प्रोक्लेमेशन ऑफ गेट्स के नाम से मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि ब्रिटिश राज में अफगानिस्तान के गजनी
गजनी से एक लड़ाई के लौटते समय अंग्रेज सेना गजनवी की कब्र के दरवाजे भी उखाड़ लाई थी। इसकी एक वजह यह भी थी कि इन दरवाजों को दिखाकर भारत के हिंदुओं को खुश किया जा सकेगा कि सोमनाथ के दरवाजे वापस आ गए हैं। लेकिन बाद में जब यह दरवाजे सोमनाथ मंदिर के पुजारियों को दिखाए गए तो उन्होंने इसे लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि दरवाजे गजनी की देवदार की लकड़ी के बने थे और इसमें अरबी शैली में भी कुछ लिखा हुआ था, यानी सोमनाथ मंदिर के दरवाजे गजनवी की कब्र में लगी होने की बात झूठी थी। अब इन दरवाजों का क्या किया जाता? गजनी के मकबरे के इन दरवाजों को आगरा के किले में रखवा दिया गया। अब वे कैसी हालत में है इस बारे में कुछ खास मालूमात नहीं है। सोमनाथ की लूट के कुछ सालों बाद ही महमूद गजनवी की तबीयत खराब होने लगी। वह अक्सर पथरी के दर्द से परेशान होने लगा। महमूद गजनवी खुद को इस्लामिक परचम लहराने वाला एक शख्स के तौर पर पेश करता रहा, लेकिन अब उसका मकसद लूट था और इस्लाम की सिर्फ वह आड़ लेता था। महमूद गजनवी शराब पीता, हिंदुस्तान में उसके तमाम गैर मुस्लिमों से एकत्र सेना का इस्तेमाल कई मुस्लिम प्रतिद्वंदियों के खिलाफ किया गया। गजनवी के किरदार का अंदाजा लगाने के लिए एक और वाक्य सुनिए। प्रसिद्ध फारसी शायर फिरदौस ने वादा किया कि हर एक शेर के बदले वह उसे सोने का एक सिक्का देगा, लेकिन बाद में फिरदौसी को सोने की जगह चांदी के सिक्के दिए गए। फिरदौसी ने वह लेने से इनकार कर दिया। बाद में गजनवी ने कुछ लोगों के समझाने पर फिरदौसी को सोने के सिक्के भिजवाए, लेकिन तब उनका जनाजा गुजर चुका था। फिरदौसी की बेटी को सिक्के देने की कोशिश की गई, लेकिन उसने भी सिक्के लेने से इनकार कर दिए। महमूद गजनवी इतिहासकार दुर्दान लुटेरा था और उसने गजनी में दौलत का अंबार जमा कर लिया था, लेकिन यह खजाने अब उसके किसी काम के न थे। पथरी के दर से वह लगातार कमजोर हो चुका था। अब वह अक्सर अपनी दौलत की सार्वजनिक नुमाइश कर पुराने दिनों को याद करता था और ताकत के एहसास के लिए फौज की सलामी लिया करता था। आखिरकार 29 अप्रैल सन 1030 को उसकी मौत हो गई।